हेलो स्टूडेंट, नवे क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये डिफाइन किया था। आज हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। तो देखो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स इंट्रोडक्शन, जो स्टार्टिंग में यूनिट से पहले यूनिट हमने स्टडी की थी, स्टार्ट की थी, जब उसका इंट्रोडक्शन आया था तो वहां पे डिफाइन किया था रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ any one of reactant or product to change in time, ये तो होते हैं rate of reaction। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, molar concentration of any one reactant या product, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मोलर कंसंट्रेशन में जो चेंजमेंट आएगा वो यहाँ पे डिफाइन करना है। किसके अलावा? चेंज इन टाइम। तो देखो भाई, यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है? मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर, ठीक है, ये यूनिट होगी मोलर कंसंट्रेशन की। अच्छा, आगे के चेंज इन टाइम, यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट क्या होगी भाई? टाइम की यूनिट होती है सेकंड भी कह सकते हो, या फिर यहां पे ले सकते हैं मिनट। ओके, ये टाइम की यूनिट होगी। ओवरऑल क्या होगी? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होगी वो क्या होती है? क्या था? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, तो क्या यूनिट थी? मोल पर लीटर, ठीक है। टू चेंज इन टाइम, तो टाइम की यूनिट क्या बताई? सेकंड भी ले सकते हो, मिनट भी ले सकते हो, पर यहां पे हमने क्या लिया? सेकंड। तो क्या होगा भाई? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पीछे हमने ऑर्डर पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के थे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने चार या पांच में क्लासिफाई किया था, जिसकी पहला है अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर, जो भी है सो। तो अपने पास किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन अगर दे रखी है, तो कोई भी ऑर्डर हो, सभी ऑर्डर का जो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सेम होगा, चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे सेकंड हो, चाहे जीरो हो, चाहे थर्ड हो, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, उन सभी ऑर्डर की जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो सेम होती है। क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड। जीरो ऑर्डर के लिए भी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट के लिए भी क्या होगा? रेट ऑफ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर अपने पास सेकंड ऑर्डर दे रखा है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? मोल पर लीटर पर सेकंड, सही है। तो जो भी अपने पास रिएक्शन है, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, कुछ भी ऑर्डर के रिएक्शन हो, उनका जो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो सेम होते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये तो बात कर लेते हैं हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो डिफरेंट ऑर्डर के लिए डिफरेंट होती है। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग होगी, फर्स्ट के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग होती है, सेकंड के लिए अलग होती है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, कोई से भी हो, सभी ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होगी वो हमेशा क्या होती है? मोल
पर मीटर पर सेकंड सेम होती है, जबकि रेट कांस्टेंट की यूनिट डिफरेंट ऑर्डर के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहां पे अभी हमने पढ़ा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकंड कह सकते हो, या फिर मिनट में डिपेंड कर लो, मोल पर लीटर पर मिनट, सही है या? ओके, बी पार्ट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मींस के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है वो स्टडी करेंगे। तो अभी हमने क्या बताया था, क्या फाइंड आउट किया था, डिफरेंट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी डिफरेंट। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट यूनिट अलग होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट यूनिट अलग होती है, सेकंड के लिए अलग होती है। तो फिलहाल हम बात करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो कल हमने मींस पिछले लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डिफाइन किया था। तो अब यहां पे हम डेफिनेशन की बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं। तो बताओ किसी भी रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब कहोगे, पढ़ा था पीछे क्या, ए रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर इफ रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी रिएक्टेंट टर्म्स। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास एक रिएक्शन दे दी ए कन्वर्ट इन टू पी, रिएक्टेंट ए है वो सीधा प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है। तो क्या आएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब कहलाते हैं, इफ रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी रिएक्टेंट टर्म्स। कह सकते हो कि कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर तक होगी जब उस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसी भी रिएक्टेंट टर्म पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो वो कहलाते जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, ए रेज पावर जीरो। ठीक है, तो यहां से देखो भाई रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू साइन का मतलब क्या आएगा, के ए रेज पावर जीरो। अब यहां पे ए रेज पावर जीरो है तो क्या होता है, ए रेज पावर जीरो इक्वल टू वन, ये हो गया वन तो इक्वल टू के, सही है। रेट ऑफ रिएक्शन को मान लो डिपेंड कर रहे हो तो क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया डी ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के। कह सकते हैं हमें तो चाहिए क्या, हमें तो रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो क्या है भाई, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इक्वल टू क्या है भाई, यहां से देखो ये इक्वल आ गया किसे, डी ऑफ ए, डी ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी, सही है। अब ये क्या है, दिस इज द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू चेंज इन टाइम। तो अभी जस्ट पीछे डिफाइन भी किया था मोलर कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है उसको हम क्या लेके चलते हैं, मोल पर लीटर। तो क्या यूनिट होगी भाई इसकी, इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर डिवाइड बाई टाइम की यूनिट सेकेंड, तो ये आ गया सेकेंड, तो दिस इज सेकेंड, सही है। सोल्व करो इसको, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इक्वल टू
क्या दिया मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके अगर टाइम सेकेंड में दे रखे हैं तो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके अगर मिनट में होता टाइम तो क्या होता मोल पर लीटर पर मिनट। अच्छा देखो ये यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या था मोल पर लीटर पर मिनट या मोल पर लीटर पर सेकेंड और रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड ये आता है। तो कहने का मतलब क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट आपस में क्या है इक्वल ही तो है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या थी मोल पर लीटर पर सेकेंड और रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या था मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो क्या कह सकते हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट दोनों की यूनिट क्या होती है इक्वल होती है बराबर होती है क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है तो ये था अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम डिफाइन कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो भाई फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर कब कहलाती है इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली वन रिएक्टेंट टर्म्स। ठीक है कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब होगी जब उस रिएक्शन का रेट केवल एक रिएक्टेंट टर्म पे डिपेंड करे तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट डिपेंड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। ओके अच्छा यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करो तो क्या आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ गया रेट कांस्टेंट जिसको कहते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है क्या आएगा d of a divided by dt equal to k molar concentration of a reactant सही है। ओके अब देखो भाई यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट क्या होती है मोल पर लीटर ठीक है डिवाइड बाय सेकेंड। अपने पास अगर मान लो टाइम सेकेंड में है तो सेकेंड आ गया इक्वल टू के अब ये भी क्या है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट तो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर सही है मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो गया बचा क्या के इक्वल टू क्या आ गया k इक्वल टू वन डिवाइड बाई सेकेंड। इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा k इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। ओके अगर मान लो टाइम अपने पास मिनट में है तो मिनट में होता तो क्या होता मिनट इनवर्स आ जाता। ओके इफ टाइम विल बी टेकन इन मिनट then unit of rate constant will be minute inverse सही है second में हुआ तो second inverse minute में हुआ तो minute inverse। तो ये था अपना rate unit of rate constant for first order reaction। okay अब हम बात करते हैं second order reaction। तो देखो भाई second order reaction क्या होगा
कोई भी रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को कहलाती है. एनी रिएक्शन ए रिएक्शन इज सेड टू बी सेकेंड ऑर्डर इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली टू रिएक्टेंट टर्म्स. किसी भी रिएक्शन का अगर रेट दो रिएक्टेंट टर्म्स पे डिपेंड करता है तो वो क्या कहलाता है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट डिपेंड अपॉन टू रिएक्टेंट टर्म्स. ठीक है, दो रिएक्टेंट टर्म्स, एक तो रिएक्टेंट ए हो गया, दूसरा रिएक्टेंट बी हो गया. तो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. चलो भाई डिफाइन करो प्रोपोर्शनलिटी साइन का तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको रेट कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं. अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया अपने पास? डी ऑफ ए डिवाइड बाय डीटी, मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू के इनटू में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ए इनटू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बी. ओके, ये क्या है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ए है तो रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है, अमाउंट होती है, उसकी यूनिट क्या होती है? दिस इज मोल पर लीटर डिवाइड बाई सेकेंड. अगर टाइम सेकेंड में है तो सेकेंड आ गया यहाँ पे इक्वल टू के. अच्छा मैं यहाँ पे रिएक्टेंट है ना, तो क्या आएगा? क्या यूनिट होगी इसकी? मोल पर लीटर, ये तो एक ही बात है. बी रिएक्टेंट के अलावा क्या करोगे? मोल पर लीटर, क्योंकि दो रिएक्टेंट है तो दो को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लूँ. ठीक है, चलो मैं इसको सॉल्व करते हैं. क्या आ गया? मोल पर लीटर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? स्केयर हो जाएगा. तो सॉल्व करने पे क्या मतलब ये स्केयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा. ओके, के की वैल्यू निकालनी है तो के इक्वल टू क्या होगा भाई? के को यहाँ पर रखो और कंप्लीट क्वांटिटी को नीचे ले जाओ. तो नीचे लेके आओगे तो क्या आएगा? के इक्वल टू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड. सही है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ये. तो ये आ गया अपने पास मोल पर लीटर और यहाँ पे ऊपर ले जाओ इसको, ऊपर लेके जाओ तो क्या आएगा? मोल पर लीटर रेज पावर वन, ऊपर गए तो इनवर्स हो जाएगा. तो मोल पर लीटर रेज पावर माइनस टू डिवाइड बाई सेकेंड. ठीक है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाईकेशन है तो क्या होती है? पावर एडिशन हो जाती है. तो क्या आ गया? दिस इज मोल पर लीटर, क्या आ गया? वन माइनस टू, तो क्या आएगा? माइनस वन आ जाएगा. तो ये आ गया. अच्छा ये नीचे क्या है? सेकेंड भी है यहाँ पे, तो क्या आएगा? मोल पर लीटर रेज पावर माइनस वन डिवाइड बाई सेकेंड. सही है, ये आता है. चलो भाई इसको सोल्व करते हैं. सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? के इक्वल टू, सेपरेट कर लो इसको, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स अगेन इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स. इसको पेपर ले गए तो सेकेंड इनवर्स आ गया. अच्छा भाई ये देखो, लीटर इनवर्स का अगेन इनवर्स तो क्या आएगा? लीटर आ जाएगा. तो यहाँ पर लिख लो लीटर और दिस इज मोल इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स. सही है, तो ये अपना यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो ये आता है यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर इक्वल टू क्या आ गया? लीटर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर नहीं, मोल इनवर्स और यहां पे आते हैं सेकेंड इनवर्स. ओके, हो जाएगा. इसी तरह हम थर्ड ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं nth ऑर्डर की. ठीक है, nth ऑर्डर की बात करते हैं, कैसे क्या निकलता है वो देखो. ओके,
पूरा कर लूँगा। देखो ही यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। अगर अपने पास nth ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है वो देखते हैं। रेट इक्वल टू या रेट डायरेक्ट डिपेंड अपॉन a रेज पावर n कह सकते हो क्योंकि nth ऑर्डर रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, कोई भी रिएक्शन nth कब होगी जब गिवन रिएक्शन का रेट nth रिएक्टेंट टर्म पे डिपेंड करे तो वो क्या कहलाते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट क्या आ गया, रेट डायरेक्ट डिपेंड अपॉन a रेज पावर n। प्रोपोर्शनलिटी साइन में डालो क्या आएगा, रेट इक्वल टू के ए रेज पावर एन कह सकते हो। रेट क्या होते हैं, डी ऑफ ए डिवाइड बाय डीटी इक्वल टू के ए रेज पावर एन कह सकते हो। हमें तो क्या निकालना है, के निकालना है, तो क्या होगी के को एल टी यहां पर कर लो ये नीचे आ जाएगा तो क्या आ गया डी ऑफ ए डिवाइड बाय डीटी और नीचे क्या आ गया ए रेज पावर एन। या पहले ऐसे करो जो यूनिट है ना वो डिपेंड कर लो, तो बताओ भाई क्या ये चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या यूनिट होगी मोलर कंसंट्रेशन की, मोल पर लीटर डिवाइड बाय सेकंड, ओके इक्वल टू के। अच्छा भाई क्या है, ये भी रिएक्टेंट है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर रेज पावर n। अब कर सकते हो k की वैल्यू निकालो भाई, k इक्वल टू क्या आ गया, इसको नीचे लिखा हुआ तो डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ गया मोल पर लीटर रेज पावर 1 डिवाइड बाय सेकंड और भाई क्या आ गया मोल पर लीटर रेज पावर n। ठीक है अब इसको सॉल्व करो भाई क्या आएगा, यहाँ पे जो मोल पर लीटर रेज पावर एन है इसको ऊपर लेके जाओगे तो इनवर्स की फॉर्म में आएगा, क्या आएगा मोल पर लीटर रेज पावर माइनस वन, नहीं सॉरी वन है ये तो वन है यहाँ पे ऊपर इनटू में इसको ऊपर लेके जाओ तो इनवर्स आते हैं मोल पर लीटर यहाँ पे बात था ना जरा इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या आ गया मोल पर लीटर रेज पावर माइनस एन डिवाइड बाय सेकंड। ओके तो करो भाई कैसे क्या आएगा, सेम एलटीज क्या कहोगे बेस सेम है मल्टीप्लाई के इसमें क्या होती है पावर एडिशन हो जाती है तो क्या आएगा भाई मोल पर लीटर यहाँ पे पावर वन यहाँ पे पावर माइनस एन मल्टीप्लाई करने क्योंकि यहाँ पे सॉरी एडिशन करने पावर का क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा वन प्लस में माइनस एन सोल्व किया तो क्या आ गया वन माइनस एन आ जाता है तो यहाँ पे आ गया वन माइनस एन डिवाइड बाई सेकेंड। सही है ऊपर लेके जाओ इसको यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर nth ऑर्डर इक्वल टू क्या आ गया मोल पर लीटर रेज पावर वन माइनस एन वन माइनस एन है वन माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स। सही है तो ये आ गया अपने पास यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर nth ऑर्डर। तो हमने यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर n एंड nth ऑर्डर कैलकुलेट कर ली, साथ में यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट करिए। ठीक है तो रिजल्ट देख लेते हैं किस टाइप से इसका रिजल्ट आया है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यदि पे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं वो पढ़ेंगे।
that one. Unit of rate of reaction, ये तो पहले भी define कर लिया था, क्या था? Mole per liter per second, ठीक है? Second part, unit of rate constant. रिजल्ट डिफाइन कर लेंगे. पहला पॉइंट क्या है? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है? यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट क्या है भाई? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आता है. ठीक है, बताया था जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बराबर होती है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी. ठीक है, अच्छा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है भाई? फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, या कहते हो मिनट इनवर्स, या फिर आवर्स इनवर्स. मतलब सिंपल कहते हो टाइम इनवर्स होता है. ठीक है, टाइम इनवर्स कह सकते हो. थर्ड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या था? के इक्वल टू क्या था? लेटर मोर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, ये कुछ आया था. ठीक है, और भी फॉर एमएथ ऑर्डर के लिए रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या आई थी? अभी जस्ट नीचे डिपेंड करते हैं क्या? मोल पर लीटर रेज पावर वन माइनस एम इनटू में सेकंड इनवर्स. ठीक है, ये है हमारे पास यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, वो देखो कैसे क्या होते हैं. हाँ भाई, न्यूमेरिकल बेस अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ रेट इक्वल टू के इंटू ए रेज पावर 3/2 इंटू बी रेज पावर -1. ये फर्स्ट है, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने जो रेट ऑफ रिएक्शन दे रखे हैं. दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा अपने पास रेट इक्वल टू के ए रेज पावर 3 इंटू बी रेज पावर 2 इंटू सी रेज पावर -1. कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओके, तो देखो कैसे निकलेगा सॉल्यूशन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है? सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द ऑर्डर रिएक्टेंट विच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पावर्स. यहां पे जितने भी पावर आ रहे हैं उन सभी का सम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाते हैं. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ इट्स कोफिशिएंट. तो पहले रिएक्टेंट का कोफिशिएंट जो पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट है वो क्या है? 3/2 प्लस में दूसरे रिएक्टेंट का -1. तो क्या आएगा? 3/2 -1. एलसीएम लेना, तो एलसीएम आएगा तो क्या आ गया? 3 - 2 = 1/2. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया अपने पास? 1/2. ऑर्डर इक्वल टू 1/2, हाफ ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, चलो भाई सेकंड बी पार्ट की बात करते हैं. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बताओ? एडिशन जो करना है क्या आएगा? ए रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट क्या था, मतलब जो पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है? 3. बी रिएक्टेंट
5 minus 1 equal to 4. ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं इस टाइप के, आसान है कर लेना. ओके, बस इसमें करना क्या है, ऑर्डर निकालना है, एडिशन करना है, तो सॉल्व हो जाएगा. तो ये था अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, उसके अलावा अगर ऑर्डर निकालना हो तो किस टाइप से निकालते हैं, तो देखो कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ रेट कॉन्स्टेंट इज 3.5 × 10⁻¹⁹ मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये रखें. दूसरा भाई, इफ के इक्वल टू 2.9 × 10⁻¹⁰ सेकेंड इनवर्स. ओके, कुछ इस टाइप से रखे, तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ये जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं, ये न्यूमेरिकल किन पे बेस है, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट. हमें केवल यूनिट देखनी है, न्यूमेरिकल वाली नहीं देखनी, हमें केवल क्या देखना है, ये जो यूनिट है इसको फाइंड आउट करते हुए, इसको देखते हुए हमें क्या निकालना है, ऑर्डर कैलकुलेट करने हैं. तो भाई सॉल्यूशन की बात करें तो बताओ, फर्स्ट पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, हमें बताना. न्यूमेरिकल वाले कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो, हमें तो केवल क्या देखना है, यूनिट देखनी है. तो क्या यूनिट है, रेट कॉन्स्टेंट की मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है पीछे डिपेंड किया था, तो दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो ये आ गया अपने पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सही है, इसी तरह भाई सेकंड को देखो, के इक्वल टू 2.9 × 10⁻¹⁰ सेकंड इनवर्स. तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं अलोंग टू यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट. तो देखो भाई क्या यूनिट है, सेकंड इनवर्स. तो सेकंड इनवर्स कौन से ऑर्डर की होती है, फर्स्ट की होती है, जो पीछे डिफाइन किया था उसे देखना पड़ेगा. तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल. अब जो अपना अगला टॉपिक होगा वो आप पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर अगले लेक्चर में. थैंक यू.